प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में होली दहन किया गया। इस क्रम में नागपुर के सिविल लाइन स्थित नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम एवं LBT GST जैसे विषयों को होली में दहन कर होली दहन का शानदार कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर शहर के महानुभव एवं नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी और व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। पेश है संवाददाता संजय मेरे इनकी होली दहन की ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। होली दहन एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरी दुनिया भर में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। शहर की नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हर वर्ष नए नए विषय को लेकर होली दहन का त्योहार मनाया जाता है। यूं तो शहर में कई जगहों पर होली दहन मनाया जाता है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की जनता की निगाहें विशेष तौर पर नागपुर के नाग विदर्भ चैम्बर्स के होली दहन कार्यक्रम में होती है। समाज के हितों में हमेशा अच्छा काम पिछले कई वर्षों से कर रही है इस नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स संस्था ने। इस वर्ष बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, LBT GST और कोरोना महामारी जैसे विषयों को लेकर होली में उसका दहन किया है। स्वाभाविक रूप से यह संदेश व्यापारियों ने प्रशासन, सरकार और सभी पार्टी के राजनेताओं को दिया है। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया और संस्था के सभी पदाधिकारी और शहर के हर क्षेत्र में काम करने वाले महानुभवों की उपस्थिति में होली का दहन का शानदार कार्यक्रम लिया गया। व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गले मिलकर होली की बधाई देते नजर आए। हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान, होली त्योहार की खुशियां अबीर रंग गुलाल में स्पष्ट झलक रही थी। भले ही व्यापारी ऊपर से खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अंदर से काफी दुखी होने का एहसास भी हो रहा था। लोकतंत्र में भारत देश को आर्थिक बढ़ावा देने के लिए व्यापार और व्यापारियों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन अफसोस कि केंद्र और राज्य की सरकार के बीच सही तालमेल नहीं होने से महंगाई हर मिनट में पड़ रही है। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है। आम जनता के साथ साथ कई व्यापारी कर्जे के बोझ तले जैसे तैसे अपना व्यापार कर रहे हैं, या ये कहे कि व्यापारियों के व्यापार की रीढ़ की हड्डी सरकार की गलत नीतियों के चलते टूट चुकी है। आखिरकार कब तक चलता रहेगा व्यापारियों के साथ सरकार का ये भद्दा मजाक, ये तो सरकार और प्रशासन ही जाने। होली दहन कार्यक्रम में नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय BCN की टीम है NVCC के प्रांगण में, जहां पे होली का दहन किया जा रहा है। इस समय में हमारे साथ में NVCC के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़ी जी, उनसे जाना चाहिए। अश्विन जी, इस प्रकार से आज 2022 होली का जो दहन किया गया है, क्या कहना चाहते हो आप, किन विषयों को लेकर आज ये होली का दहन किया गया? सबसे पहले आपको ये पता है कि होली का जो त्यौहार है ये बुराई पे अच्छाई की विजय का त्यौहार है। जिस प्रकार से पूरे विश्व में 2 साल से कोरोना के कारण त्राही त्राही हो रही थी, हमने कोरोना की होली जलाई। हमने जो टैक्सेशन के जो कानून ख़त्म हो गए, जैसे VAT है, नागपुर में LBT है, और वो आज भी व्यापारियों के लिए नासूर बन के रखे, हमने उनकी होली जलाई। पेट्रोल डीजल से पूरा भारतवर्ष, आम जनता, व्यापारी, आम जनता सब परेशान है, हमने उनकी होली जलाई। महंगाई रुके नहीं रुक रही है, हमने उसकी होली जलाई। हम सरकार से चाहते हैं कि कृपा करके हमारी जो भी परेशानियाँ हैं आप उसका निवारण करिए। जनता त्रस्त है, आप पेट्रोल डीजल के रेट, आप जरूर कोरोना में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट है जो महंगाई है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप थे NVCC के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़ी, जिन्होंने बहुमूल्य व्यापक के साथ आज होली के पावन पर्व पर ये बात कही है कि जैसे GST हो या पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो या फिर व्यापारियों के ऊपर में जो एक खतरा सा जो मंडरा रहा है, उसके ऊपर में सरकार ध्यान दे। और सही मायने में यदि कोई देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है वो व्यापार है, और आए दिन व्यापार जो चौपट होने की कगार पे है, सरकार ध्यान दे, तो हो सकता है कि व्यापार और व्यापारी दोनों खुशहाल नजर आ सकते हैं। और यही सही मायने में होली के रंगपंचमी का रंगों का त्यौहार है, ऐसे कहा जा सकता है। NVCC प्रांगण से सुभाष भुटले के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज़ नागपुर।